हेलो फ्रेंड, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग फोन पे को यूज कर सकते हैं, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से फोन पे में अकाउंट बनाया जाता है और किस तरह से आप लोग अपनी बैंक को ऐड कर सकते हैं, UPI किस तरह से सेट करना होता है, अगर आपको अपनी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड करना है फोन पे में तो वो भी प्रोसेस आपको बताया जाएगी। और आपको बताया जाएगा कि किस तरह से फोन पे से मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी बैंक में और आप अपनी मनी को मंगवा भी सकते हैं किसी से भी। और आपको बताया जाएगा फ्रेंड लास्ट में कि आप लोग मोबाइल रिचार्ज किस तरह से कर सकते हैं, बिल पेमेंट किस तरह से करना होता है, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड, आप लोग फोन पे से पैसे भी कमा सकते हैं, मतलब अर्निंग भी कर सकते हैं फोन पे से। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। तो फ्रेंड, मेरा नाम है इस्लाम और आप देख रहे हैं टेक्निकल थेरेपिस्ट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं अपने मोबाइल पर। सबसे पहले आपको अपना फ़ोन पे ऐप आपको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके सीधे इसको ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। मैंने पहले से इसको इंस्टॉल किया है तो हम चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको लोगो आ जाता है फ़ोन पे का, और देन आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा आपको मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के लिए जो आपने बैंक में लिंक करा रखा है। तो यहाँ से आप दूसरा नंबर भी ले सकते हैं नन ऑफ द ऐप पर क्लिक करके। अगर आपका दूसरा नंबर तो यहां से आप एंटर करेंगे जो बैंक में लिंक करा रखा है आपने मोबाइल नंबर, तो यहां से आपको एंटर करना होगा। तो चलिए हम यहां पे एंटर कर देते हैं इस बॉक्स में। उसके बाद आपको नीचे आके प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहां से आपको SMS के लिए अलाउ करना होता है, तो चलिए हम यहां पे अलाउ कर देते हैं। जैसे हम अलाउ करेंगे तो यहां से हमारा ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है OTP, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहां पे 3 times के लिए आपको अलाउ करना होगा। जैसे यहां पे अलाउ करेंगे हम सक्सेसफुली फोन पे में साइन अप हो चुके हैं, और यहां से सर्विस और कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं जो कि हम आगे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अपनी बैंक लिंक करनी होगी। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है ऐड बैंक अकाउंट, सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका बैंक है उसका नाम यहाँ से सर्च कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं या नीचे से भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी बैंक पर क्लिक कर लेता हूँ। जो भी आपकी बैंक है सिंपल आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से मैसेज भेजते हैं और यहाँ पर फैक्सिंग करते हैं। तो जो भी आपने इस नंबर पर लिंक करा रखा होगा, मतलब अकाउंट ओपन करा रखे होंगे इस नंबर से, यहाँ पर आपके दिख जाएंगे। यहाँ से मैंने एक नंबर से 2 bank हमें ओपन करा रखे हैं, मतलब लिंक करा रखी हैं। तो यहाँ पर अगर एक बैंक आती है तो आपको करना होता है फ्रेंड, आपको यहाँ पर UPI ID बनानी होती है और ऑटोमेटिक भी आ जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे एडिट पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको UPI ID बनानी होती है। तो चलिए हमें एक यूनिक सा आपको नाम एंटर करना होगा जो पहले से रजिस्टर नहीं होना चाहिए फ्रेंड, आपको ये देख लेना है अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए हमने एंटर किया, उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना होता है। करेंगे यहाँ से हमारी UPI ID बन चुकी है, और उसके बाद नीचे आके प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ से रीसेट पिन के लिए आ रहा है, क्योंकि फिर मैंने पहले से UPI अपना यूज कर रखा है गूगल पे और Paytm में। तो आपको अगर आपने फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो कुछ इस तरह से आ जाएगा सीधे बैंक लिंक करने के बाद। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ATM कार्ड की आपको स्प्लिट डालनी होती है, लास्ट की मंथ ईयर, उसके बाद नीचे आके आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। तो ये इस तरह से करेंगे। उसके बाद आपको जो बैंक में आपका लिंक होगा नंबर, उस पर एक OTP आएगा, यहाँ पर कन्फर्म कोड आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेट करना होता है अपना UPI पिन। तो यहाँ पे हमने एंटर किया, उसके बाद हमने कंफर्म अपना UPI एंटर करना होता है फ्रेंड। ये इसलिए होता है जब हम अपनी मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो हमने UPI एंटर करना होता है, और उसके बाद हम यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ से हमारा सक्सेसफुली हो चुका है UPI पिन सेट। उसके बाद नीचे आकर डन पर क्लिक करना है। जैसे डन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना हो, इस आइकन पर अपनी प्रोफाइल को सेट करना होता है। यहाँ से अपनी वो फोन पे अकाउंट को लॉगआउट भी कर सकते हैं, और नीचे आके आपको एडिट डिटेल्स पर क्लिक करना होता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे आके आपको एल्बम सेलेक्ट करनी होगी, पर्स में परमिशन देनी होगी, और अपना फोटो यहाँ से अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ से ऐड ईमेल पर क्लिक करके अपनी ईमेल भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि मनी ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ से आपको मैसेज आ जाते हैं जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, तो यहाँ से ईमेल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है QR कोड का फर्स्ट में, तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका QR कोड आ जाता है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से इसको शेयर भी कर सकते हैं और अपनी मनी को मंगवा सकते हैं। और ये ऑप्शन होता है UPI ID का, तो यहाँ से आप UPI ID अपनी देख सकते हैं और इसको सेंड करके अपनी मनी को मंगवा सकते हैं। और नीचे से आपको KYC करनी होगी फोन पे वॉलेट के लिए, तो यहाँ से आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होता है। नीचे आके आपको ऑप्शन मिल जाता है कोने में, तो यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको क्या करना होता है, आपको अपनी पैन कार्ड की डिटेल डालनी होती है। अगर चेंज करना है अपने डॉक्यूमेंट को तो यहाँ से चेंज पे क्लिक करके दूसरे डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल डालनी होती है। जैसे कि पैन कार्ड
कार्ड पर हमने क्लिक किया और यहाँ से पैन कार्ड का नंबर डालना होगा और होल्डर नेम डाल देना होगा कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है। फ्रेंड जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ से हमारी KYC हो जाएगी और देन उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से फ़ोनपे वॉलेट के लिए आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अभी बैलेंस नहीं है, अगर आपको फ़ोनपे वॉलेट में पैसे आपको ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एंटर भी कर सकते हैं, नीचे से 1,000, 2,000, 5,000 पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक पे जैसे मैंने 1 रुपया आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, जैसे UPI से या डेबिट कार्ड से पैसे कटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अपना डेबिट कार्ड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसको डिटेल डालनी पड़ती है। तो यहाँ से जैसे हम UPI पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी बैंक आ जाएगी। तो यहाँ से आपको नीचे आके वॉलेट पर क्लिक करना होता है। जैसे वॉलेट पर क्लिक करेंगे अपना UPI एंटर करेंगे और यहाँ से हमारे बैंक से 1 रुपया कट जाएगा जितने भी आपने ऐड किया होगा अपने फ़ोन पे वॉलेट में, और आप लोग इसको यूज कर सकते हैं फ़ोन पे वॉलेट का, आपको बैंक की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद देख पा रहे हो KYC तो हमारी हो ही चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे मनी नीचे आपको माई मनी पे क्लिक करके आपको डेबिट कार्ड को ऐड करना है। तो सिंपल आपको डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऐड न्यू डेबिट कार्ड पे क्लिक करना होता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको ATM कार्ड के अपना नंबर डालना होगा, मंथ, ईयर और जो बैक साइड में लिखा होता है CVV नंबर, और यहाँ से 2 रुपये आपके चार्ज ले जाएंगे और नीचे आपको ऐड पे क्लिक करना होगा। आप कन्फर्म कर देंगे और आपका ATM कार्ड आपका ऐड हो जाएगा, मतलब डेबिट कार्ड। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से आप लोग मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको QR कोड का ऑप्शन मिल जाता है ऊपर जाके, सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर परमिशन देनी होगी, यहाँ पर अलाउ करना होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर अलाउ करोगे तो यहाँ से जैसे कि आप लोग कहीं रेस्टोरेंट पर जाते हैं या शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर QR कोड रखे होते हैं कई तरह के, तो यहाँ पर आपको QR कोड को स्कैन करना है। आप कोई भी QR कोड को स्कैन कर सकते हैं फ़ोनपे से और यहाँ से अपनी मनी को एंटर करेंगे और यहाँ से मैसेज दे सकते हैं भी। उसके बाद अपनी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको नीचे आके सेंड पे क्लिक करना होता है। जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे अपना एक UPI एंटर करें, UPI अपना एंटर करना है जो आपने सेट किया था पीछे। उसके बाद आपको राइट के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ ही सेकंड में हमारी जो हमने पे किया हुआ मनी वो यहाँ से सेंड हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं QR कोड से। उसके बाद आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट से भी कर सकते हैं, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट पे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे आके आपको प्लस का ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप जिस पे भी कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना चाहते हैं आप ले सकते हैं, या आप लोग सीधे नंबर पे नंबर भी डाल सकते हैं और यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे UPI ID से भी कर सकते हैं जो हमने UPI ID बनाई थी पीछे। तो यहाँ से ऐड UPI ID पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बेनिफिशियरी UPI ID पे एंटर करेंगे और यहाँ से वेरीफाई करेंगे और सीधे अपनी मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं UPI ID से भी और कॉन्टैक्ट से भी। उसके बाद आप लोग अगर सीधे कॉन्टैक्ट में भेजना चाहते हैं तो टू अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी बैंक में आप पैसे भेजना चाहते हैं यहाँ से सबसे पहले सिलेक्ट करनी होती है फ्रेंड बैंक। तो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी बैंक को। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना होगा, कन्फर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड इस बैंक का और अकाउंट होल्डर नेम, और ये ऑप्शनल होते हैं दोनों ऑप्शन नीचे, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आके आपको कन्फर्म पर क्लिक करना होगा, अपना UPI अपना एंटर करेंगे और यहाँ से सीधे अपनी किसी भी बैंक में मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है थर्ड में टू सेल्फ का, ये ऑप्शन अपने लिए होता है फ्रेंड। जैसे हमें आपने मैंने बताया एक बैंक से मैंने एक नंबर से मैंने अपने दो बैंक अपने लिंक करा रखे हैं, तो सिंपल आपको अपनी दूसरी बैंक पर क्लिक करना होगा जिसमें मनी ट्रांसफ़र करनी है। यहाँ से अपना जितने भी करना चाहते हैं आप करेंगे और नीचे आके सेंड पर क्लिक करेंगे। जैसे सेंड पर क्लिक करेंगे हमारा UPI हमने एंटर करना होगा, राइट के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ सेकंड में हमारा जितनी भी मनी हमने ट्रांसफ़र करनी है यहाँ से चली जाएगी एक बैंक से दूसरी बैंक में। आप देख ही पा रहे हो बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है बैंक बैलेंस का, तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी मनी को चेक कर सकते हैं कितनी हमारी मनी है, और आप लोग नीचे से आके आप फ़ोन पे वॉलेट का भी मनी चेक कर सकें। सिंपल आपको क्लिक करना होता है और यहाँ से आप अपना अमाउंट देख सकते हैं और यहाँ से अपनी बैंक का भी देख सकते हैं UPI एंटर करने के बाद। उसके बाद आप यहाँ पर किस तरह से आप लोग यहाँ रिचार्ज और पे बिल कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज हो गया, DTH, इलेक्ट्रिसिटी बिल और COL पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से फास्टैग का रिचार्ज भी कर सकते हैं, DTH और केबल TV का भी, और यहाँ से सिलेंडर बुक कर सकते हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ से ब्रॉडबैंड, और यहाँ से लैंडलाइन, और एजुकेशन फीस भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। और नीचे से भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ से सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं Amazon Prime, G5, Netflix इस तरह से। तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि आप किसी भी सर्विस पर क्लिक करेंगे या आप लोग यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसका नाम भी एंटर कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट
अगर सेव करा रखा है, या आप लोग सीधे भी आ सकते हैं और यहाँ से अपना प्लान सिलेक्ट करेंगे, अपना यूपीआई अपना एंटर करेंगे और यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं किसी का भी और अपने भी। और यहाँ से भी ऑल पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना ऑफर भी देख सकते हैं नीचे से आके, और यहाँ से आप अपना रिवॉर्ड भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर रेफरल अर्निंग भी कर सकते हैं, मतलब फ़ोनपे से पैसे भी कमा सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सेल्स यहाँ पर सेंड कर देंगे, और जैसे कि किसी को भी आपने सेंड किया होगा इस लिंक पर क्लिक करेगा और इस लिंक से आप वो डाउनलोड कर लेगा फोन पे, तो आप लोग यहाँ से 100 रुपये भी ले सकते हैं। और नीचे से आके आप हिस्ट्री भी अपनी देख सकते हैं नीचे से, जैसे हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे जो भी आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन की होंगी यहाँ से सारी की सारी आ जाती हैं। दोस्तों मैंने सारी चीजें कवर कर दी है, कुछ चीज रह जाती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए टेक्निकल थेरेपिस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।